सिलेंडर के पिक्चर लगाएगा अभी ले। और चाहिए ये तो ग्रैनी की ग्रैनी है मगर ये जो कि हमारे काफी काम अभी। हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग खेलने वाले सिलेंडर एक्स, जिसमें सिलेंडर पूतनी रहेगी, उसका हस्बैंड रहेगा और उसके दो पेट्स रहेंगे, यानी बोले तो खुखार मकड़ियाँ। तो इस मिस्टीरियस हॉरर हाउस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है पजल को सॉल्व करने में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये देखो सिलेंडर पा रही है, हम लोग पर नज़र रख रही है। तो इस लॉक को तोड़ने के लिए हमें इस पत्थर से 4 बार मारना पड़ेगा। तोड़ हो चुका है और 4 में टूट गया, लेट्स गो। तो हम लोग फिलहाल के लिए अभी बेसमेंट में हैं और देख सकते हो कितना ज़्यादा चारों तरफ मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, बल्ब लगाए हुए हैं। और ये रहा मैप, लेट्स गो। इससे हम देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं और कौन सी जगह पर कौन सा सामान या फिर कौन सा रूम है। लेट्स गो। ये रहा हॉल, देख सकते हो भाई कितना बड़ा है। और तो सिलेंडर के पिक्चर लगाएगा अभी, देखो भूतनी के नाम देते ही भूतनी हाजिर। वाह, हार्ड मोड लगा कर गलती तो नहीं ना कर दी। थोड़ा सा और आगे चलना है। ये रहा डोर, इसको खोलते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में चलना है। अब ये आ गए, इस दरवाज़े में हमें एक की मिलेगी, ये मिल गए, लेट्स गो। और फिर हमें चलना है सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर। ओके, रास्ता ठीक है, थोड़ा सा दो। ओ भाई, सिलेंडर का हस्बैंड गलत वक्त पर दिख गया भाई। अब तो ये मुझे कतई क्या बोलते हैं नाखून मारेगा। ये तो वैम्पायर है ना, इसको तो क्या बोलते हैं खून पीना चाहिए, तो ये नाखून क्यों मारता है बे पीछे ही है। चलते हैं, देख सकते हो सूट बूट पहन करे। यार नज़दीक आ रहा है, चलो चलो सीढ़ियाँ। अभी अटक गया, ओह बच गया भाई। 3 शॉट में मेरा काम तमाम है, आराम आराम से चलो। अबे रैम कर, मुझको छोड़ दे यार, टाइम छोड़ अभी यार। इसकी वाइफ भी चैन से जीने नहीं देगी, जल्दी करना पड़ेगा। एक बार मैं ऊपर पहुंच जाऊँ तब मैं इस तलवार से अभी इसकी वो भी खोदता हूँ। ले और चाहिए, एक और ले, अभी मरा नहीं। अच्छा एक बार चला जाएगा, गया ठीक है। यहाँ पर एक की पड़ी है, उठ जा। और आ गई, यहाँ पर कौन सा की चाहिए था, चेस्ट की, लेट्स गो। तो उसको भी लाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो हमें अभी 2 कीज मिल चुकी हैं सक्सेसफुली, तो अभी दूसरे फ्लोर पर ही चलना है। चलते हैं, ये है 3rd फ्लोर और नीचे। इस बार अगर कोई आएगा ना तो मैं इस तलवार से ऐसे उसे काट दूंगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उड़ती हुई आ रही हैं। और इस दरवाजे को खोलना है, एक क्यू का यूज़ हो चुका है, सामने भी एक की लगती है और मोमबत्ती नहीं जल रही है, जल जा, कट्टी भी तो नहीं थे, थोड़ा सा लाइट बढ़ जाता। एक बड़ा केज, 1 सेकेंड। अबे भाई, ये तो ग्रैनी की ग्रैनी है मगर ये यहाँ पर क्या कर रही है यार। इसने हर गेम में अपने आप को क्या बोलते हैं कैद करवाने का ठेका लेकर रखा है क्या। अबे ये क्या हुआ, कुछ आवाज़ आई अंदर से। अबे ग्रैनी कहाँ गई, इधर निकल ली। मैं इधर से 3-4 बार मतलब रूम में आया था बट मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह गया ड्रैकुला यानी सिलेंडर का हस्बैंड, अभी बताते हैं इसको। एक और शॉट, बढ़िया। इसके पेट्स तो नहीं आ रहे, नहीं, वरना अगर क्या बोलते हैं एक से भले दो आ गए ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं, ओके लेट्स गो, सीधा चल रहे हैं। ये आ गया उसका पेट, अभी बताते हैं इसको भी। और ये ले तू, देख सकते हो कितना खतरनाक वाला डंक मारते हैं, मतलब 2 शॉट में हम लोग पूरा ही टपक जाएंगे। वहाँ से मैंने स्पेशल रूम का की तो ले लिया था बट ये रहा दरवाज़ा। तभी सोचूं भाई किधर रह गया डोर। और यहाँ पर हमें एक पर्ची मिलेगी, यस, बुक शेल्फ, लेट्स गो। तो अब हमें चलना है 3rd वाले फ्लोर पर, तो फटाक से चलते हैं ऊपर। सीढ़ियाँ लेफ्ट साइड में होनी चाहिए कि उबे भाई वहाँ पर सिलेंडर ना थी भाई साहब, कैसे खड़ी होगी देख रही थी ये। ऑल राइट, ये पहुंच गया मैं। यहाँ से एक बुक को बाहर की तरफ खींचना है और ये आ गया अंदर। यहाँ पर हमें मिल जाएगी क्रोबार, इसके अंदर कुछ नहीं, कोई आ तो नहीं ना रहा है। ओके, फुटस्टेप नहीं आ रहे हैं मुझे, बढ़िया। आगे चलते हैं, अब इस वुड्स को हटाना है, ये लगा दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये गिर गया पहला, इसको भी गिरा देते हैं, ये हो गई।
स्टोर के अंदर चलते हैं, यहाँ से हमें दूसरी वाली पर्ची मिल जाएगी और इरा सेलर। तो अब हमें सीधा चलना है बेसमेंट में। भाई तीसरे फ्लोर में हम लोग, इतना नीचे जाते समय मुझे ये मकड़ी दिखी तो मैंने इसको परलोक का दर्शन करा दिया कि अब हम लोग आराम से जा सकते हैं, बस वो दूसरा वाला भी ना आ जाए। ओके, कोई आ नहीं रहा है। दो क्रीचर में से एक क्रीचर है ना से यहीं पर अपीयर होता है, मतलब यहीं पर जन्म लेता है ये। तो पीछे तो नहीं दिख रहा है, ये दिख गई सीढ़ियाँ। नीचे चलते हैं क्योंकि मैं बड़े वाले सीढ़ी से अगर नीचे जाऊंगा तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा और वो ड्रैकुला उसी के आसपास ही घूमता रहता है। ओके, तो अभी दूसरे फ्लोर पर है, हमें और नीचे चलना है एक फ्लोर। ये आ गए, अब हम सीधा बेसमेंट में जाएंगे थोड़ा सा राइट साइड में। कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं इस कासल में, अभी तो और नीचे जाना है यार। चलो पहुँच गए, और वो रही हमारी लास्ट पर्ची, ये मिल गई। पियानो चेप, पता है ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। लेट्स गो, अब ऊपर चलना है 12th फ्लोर पर और पियानो को भी ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली बहुत ही मशक्कतों के बाद मुझे ये सीढ़ियों वाला रूम दिखा है। कितनी देर से मैं ये ढूंढ रहा था, क्योंकि जब जब मैं बड़े वाले सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ तब तक ड्रैकुला और उसके पेट्स आ जा रहे थे। तो इधर से ही चलना पड़ेगा, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कहीं कोई है तो नहीं ना। ठीक है, तो अब बजाना है ASCA और EF बजाना है। हो गया।